पब्लिक इलाके में रहने वाले इंजीनियर छात्र ने अपने घर की बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि किसी गुरु के झांसे में आकर उसने अपना अलग ही जीवन शुरू कर दिया था। वहीं मामला सामने आने के बाद से पुलिस ने गुरु की तलाश शुरू कर दी है। ये एक प्रकरण आया था जिसमें एक लड़के के द्वारा सुसाइड का केस था, उसकी जांच हो रही थी और प्रथम दृष्टया जांच में ये चीज आई कि वो जो सुसाइड किया है उसके पहले उसने बात किया है, व्हाट्सएप कॉल या ऐसी बात प्रकाश में आई है जिसमें एक व्यक्ति के संपर्क में वो रहा है, उसकी फोटो वगैरह भी उनके पीड़ित के परिवार ने दी थी। इसी आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। दिल्ली के पास गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में सातवें माले से एक इंजीनियर के छात्र ने छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि वो एक कथित बाबा के बातों में आ गया, जिसके बाद उसने ब्रह्मचर्य जीवन शुरू कर दिया। वो ज्यादातर अकेले में रहता था और घर के बंद कमरे में बाबा के प्रवचन सुना करता था। ये कथित बाबा हालांकि पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि जल्द ही बाबा को गिरफ्तार कर बाबा से पूछताछ की जाएगी कि आखिर बाबा के कौन से प्रवचन सुनकर इंजीनियर छात्र ने मौत को गले से लगा लिया। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र भाटी, लाइव 24 गाजियाबाद। रेवाड़ी में तेज रफ्तार का कहर थमने